हेलो दोस्तों, छठवें चरण से मालूम हो गया कि किसका है पल्ला भारी। लोकसभा 2024 डिकोड, छह चरण के मतदान के बाद बीजेपी और विपक्ष में किसकी पल्ला भारी। राहुल गांधी जीतेंगे या हमारे नरेंद्र सिंह मोदी। आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके मौजूदा चुनाव में बीजेपी 370 सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। क्या है जनता का मूड, जानिए देश के 4 एक्सपर्ट से। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर तरह तरह के दावे राजनीतिक दल कर रहे हैं। NDTV बैटल ग्राउंड शो में पहुंचे एक्सपर्ट के आम राय यह है कि इस बार जनता का मूड में समझना कठिन है। हालांकि भाजपा को बहुमत मिलना भी लगभग तय है। इसके पीछे एक्सपर्ट का तर्क है कि उत्तर में कुछ गढ़ों में भाजपा की कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन उसे तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल सहित गैर भाजपा शासित राज्यों में फायदा होगा। बैटल ग्राउंड का संचालन NDTV के चीफ एडिटर ने किया। उन्होंने पूरा 2024 के लोकसभा चुनाव को डिकोड किया। एक्सपर्ट का मानना है कि 2024 के चुनाव में कोई लहर या जनता को गुस्सा नहीं दिखा। यही कारण है कि चुनाव पिछले 10 वर्ष के चुनाव की तरह नहीं दिख रहा। हाँ, असंतोष का भावना कहीं कहीं जरूर है, लेकिन इसे विपक्ष अपने पक्ष में बनाने में विफल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ इंदिरा चौधरी ने भी कहा कि यह चुनाव जटिल है और इसे समझना मुश्किल हो रहा है। अपनी बातों को बढ़ते हुए नीरज ने कहा, कुछ स्तर पर हम उसे मोदी लहर को नहीं देख पा रहे हैं। विपक्ष के पास स्थानीय मुद्दे हैं। विपक्ष इसे लेकर लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन यह उसे जीत दिलाने में कारगर नहीं दिख रहा है। राजनीतिक रणनेता अमिताभ तिवारी ने भी कहा, चुनाव के बाद लहर का पता लगा है। मतदान एक भावनात्मक निर्णय है। पिछली बार भाजपा को 40% वोट मिले थे। यह सच है कि इस बार असंतोष है, लेकिन असंतोष तो संतोष के गुस्से में बदलना महत्वपूर्ण है। विपक्ष के लिए मतदाता को मानस को समझना आसान नहीं है। सोशल मीडिया के शोर को छोड़कर एक मूक मतदाता भी है जो चुनाव शुरू होने से पहले ही तय कर लेता है कि किस रास्ते पर जाना है। ये पूछे जाने पर क्या विपक्ष सोशल मीडिया द्वारा पैदा किए गए भ्रम से लटपट घटक गया है और गुमराह हो गया। अमिताभ तिवारी ने सहमत व्यक्त की। उन्होंने कहा, लोग अपने अपने आप बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यही सब चल रहा है। अब वहीं बात की जाए, सबसे प्रमुख संजय कुमार ने क्या कहा, इस चुनाव पर चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि बीजेपी चुनाव हार रही है या नहीं हार रही है, इस बात पर हो रही है कि बीजेपी को 272 से पहले रोका जाएगा या नहीं। चर्चा हो रही है 370 तो नहीं, लेकिन 300 के आसपास तो आएगा। नुकसान वो भी हो भी रहा है, वो कितना हो रहा है ये अहम है। चुनाव कुछ मुद्दे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही उससे भटक गया। भाजपा के राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके चुनाव शुरू किया गया था, लेकिन अब संविधान में बदलाव सहित विपक्षी एजेंडा को भाजपा जवाब दे रही है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से एजेंडा सेट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री उसका काउंटर कर रहे थे। चुनाव की शुरुआत किस मुद्दे पर हुई थी और वो ट्रेवल करते हुए कई मील आगे चली गई है, लेकिन राज्यों में जाएंगे तो छोटी छोटी लहर दिख रही है। कई राज्यों में हवा तेज है तो कई राज्यों में हवा धीमी है। मुझे लगता है कि हर राज्यों में कुछ अलग अलग नतीजे आएंगे। हम राज्यों में ध्यान देना होगा। काफ़ी लंबी चुनाव प्रक्रिया के कारण इस बार राजनीतिक दलों में एक थकावट दिख रही है। पहले और अंतिम चरण के बीच 6 हफ्तों का फैसला है। क्या वह एक जैसा ही परिणाम दिखाएगा, बीजेपी का आंकड़ा 304 से ऊपर रहता है या नीचे जाता है, ये दो राज्य तय करेगी। वो दोनों राज्य महाराष्ट्र और बंगाल। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन के सहयोगी की समस्या है और पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बेहद अहम है।